चेन्नई में भारत और बांग्लादेश के बीच कल पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। दो टेस्ट मैचों की सीरीज का यह पहला मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जहां टीम इंडिया लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, वहीं बांग्लादेश की टीम ने हाल ही में पाकिस्तान को उसके घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज में मात दी है। ऐसे में अच्छी फॉर्म के चलते बांग्लादेश की टीम का हौसला 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान पर मिली जीत बांग्लादेश के सिर पर चटकर बोल रही है। हाल ही में बांग्लादेश के प्लेयर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हम टीम इंडिया का हाल भी पाकिस्तान जैसा कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया की टीम मजबूत है और उनको घर में हराना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब बांग्लादेश आक्रामक क्रिकेट खेलना जानता है। हम भारत को उन्हीं की सरजमी पर हरा कर इतिहास रच देंगे। बांग्लादेशी खिलाड़ियों के इस तरह के बड़बोलेपन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से जब सवाल किया गया तो सबसे पहले तो वो मुस्कुराए और फिर जवाब देते हुए कहा कि जब इंग्लैंड की टीम 5 टेस्ट मैच खेलने भारत आई थी तभी उनके प्लेयर्स भी इसी तरह के बयान दे रहे थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ, इंग्लैंड को 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। अब अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी भी ऐसे ही बोल रहे हैं तो उनको बोलने से कौन रोक सकता है। हर टीम भारत को हराना चाहती है। जो भी बांग्लादेशी खिलाड़ी ऐसे बोल रहे हैं उनको मजा लेने दो, बाद में जब मैच होगा तो हम उनको और मजा चखा देंगे। रोहित शर्मा ने आगे कहा कि हम हमेशा अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। बातों का क्या है, मैच से पहले तरह तरह की बातें होती रहती है। इस तरह की बयानबाजी से खिलाड़ी माइंड गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि ग्राउंड में अच्छा खेलने की जरूरत होती है। रोहित शर्मा के अनुसार भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश को बुरी तरह से हराकर उनका अहंकार तोड़ने में कामयाब जरूर होगी। साथ ही इस सीरीज में विराट कोहली और बांग्लादेशी गेंदबाजों के बीच बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। जहां बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी अग्रेसिव होकर खेलते हैं, वहीं कोहली उनसे 2 कदम आगे हैं और शायद कुछ पुराना हिसाब किताब भी बाकी है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि विराट कोहली और बांग्लादेश के बीच पुराना हिसाब किताब क्या है। धन्यवाद।